हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्योर वेज रेसिपीज़। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हम जिंजर को कैसे आसान तरीके से पील कर सकते हैं। मैं बहुत ही आसान तरीका आपको बताने जा रही हूँ पील करने का, और वो भी उसमें भी मैं आप नाइफ़ का यूज़ करूँगी। नाइफ़ से बताऊँगी कि कैसे हम जिंजर को बहुत आसान तरीके से पील कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल विदाउट एनी वेस्टेज। कोई वेस्टेज नहीं होगा इसमें, और बेहद आसान तरीका है ये। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं। ये फ्रेंड्स, जिंजर के सबसे पहले मैं ये साइड में जो पार्ट्स लगे रहते हैं उन सबको मैं अलग कर लूँगी। इस तरह से मैं सभी पार्ट्स को बिल्कुल अलग अलग कर लूँगी। और ये देखिए, सभी पार्ट्स फ्रेंड्स अलग अलग कर लिए हैं मैंने, और अब मैं इनको पील करूँगी। ये देखिए, नाइफ़ की हेल्प से ही पील करूँगी, और बहुत बेहद आसान तरीके से ये पील होगा, और विदाउट एनी वेस्टेज। कोई वेस्टेज नहीं जाएगा इसमें। और इस तरह से मैं सारे पील करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं कितनी आसानी से सारे पील कर ले रही हूँ, और छोटे से छोटा पार्ट भी बहुत आसानी से पील हो जाएगा। ये देखिए, छोटे से छोटे पार्ट्स को भी बहुत आसानी से विदाउट एनी वेस्टेज पील कर सकती हूँ। तो इस ये तरीका मुझे बिल्कुल बेस्ट लगा है, तो इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ भी शेयर करूं मैं। तो मैं इस तरीके से ही पील करती हूं फ्रेंड्स। और ये सभी अच्छे से पील करके आप इनको सभी को इस तरह से मैं बारी बारी से पील कर लूँगी। देख रहे हैं आप कि बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं जा रही है। बिल्कुल ऊपर का जो पतली सी लेयर है वही निकल रही है, जो इसका छिलका है वही निकल रहा है, इससे अलावा एक्स्ट्रा कोई नहीं। और बिल्कुल बहुत आसान तरीके से हो रहा है। अब मैंने इसे सबको धो लिया है अच्छी तरह से, और अब मैं इसे एयर टाइट बॉक्स में स्टोर करके रख सकती हूँ, और जब भी ज़रूरत होगी एक छोटा सा पीस लेकर के उसे मैं कूट के या फिर पीस के ग्राइंड करके यूज़ कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मुझे बहुत ही अच्छा तरीका लगा है, तो आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स ये पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आप मुझे कोई कमेंट या सजेशन देना चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।